स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के चैनल में। तो भाई अगर बात करें 2023 की, तो 2023 अगर मैं कहूं कि शाहरुख खान का साल रहा है तो कुछ गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि पहले पठान आई, जवान आई, उसके बाद डंकी भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे कमा के गई है। तो ओवरऑल बोला जाए तो शाहरुख खान ने पूरा का पूरा 2023 यहाँ पे रूल करा है। बहुत सारे जो हेटर्स थे, या फिर कह लीजिए कि बहुत सारे जो यहाँ पे नेटिजन्स थे, वो ये कह रहे थे कि भाई शाहरुख खान कहाँ है, क्योंकि 4 साल का गैप लिया था, उसके बाद अलग अलग स्टार्स की मूवी आ रही थी, सुपर डुपर हिट भी जा रही थी, मगर शाहरुख खान का नाम कहीं ना कहीं खो गया था। तो शाहरुख खान ने कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब तो दिया है उन सभी को, मगर अब सवाल उठता है कि आगे क्या शाहरुख खान की ये 3 मूवी आई उसके बाद शाहरुख खान का क्रेज खत्म? ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किंग खान किसी छोटे मोटे रीज़न की वजह से उन्हें बोला नहीं जाता, एक बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे, और उसका रीज़न है उनका फैन बेस के हिसाब से आगे वाली मूवी के प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, मगर वो प्रोजेक्ट्स होंगे क्या इसके बारे में बात करते हैं। जहाँ तक खबरें आ रही हैं कि शाहरुख खान ने 2 मूवी अभी वायरफ के साथ साइन करी है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपको पता ही होगी कि एक है यहाँ पे टाइगर वर्सेस पठान, हमने देख लिया टाइगर 3 में शाहरुख खान का कैमियो, फिर पठान में सलमान खान का कैमियो, मगर इन दोनों के बीच में जो भिड़ंत होने वाली है, लड़ाई होने वाली है, या फिर दोनों जब साथ में उतरेंगे एक ही मूवी के लिए, तो वो टाइगर वर्सेस पठान होगी। मगर दूसरी क्या सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और सस्पेंस वाला सवाल भी है, दूसरी जो होने वाली है वो होने वाली है धूम 4। जी हाँ, आप मुझे कह सकते हैं कि भाई अभी तक तो रिजल्ट कन्फर्म नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की है। जिस हिसाब से शाहरुख खान का फैन बेस है और जिस हिसाब से उनकी मूवीज़ ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर जा रही हैं, वापसी हो चुकी है, तो भाई धूम 4 तो बनती है ना। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है, धूम 3 पता नहीं कितने साल पहले आई थी और क्या अच्छा खासा कमा के गई थी, ऑडियंस पागल हो गई थी, तो धूम 4 के लिए इतना बड़ा चेहरा तो बनता ही है। अब धूम 4 में कास्ट क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं। तो जहाँ पे हमें एंटागोनिस्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे शाहरुख खान, क्योंकि उससे पहले तो आमिर खान थे, अब एक और खान साहब यहाँ पे आ जाएंगे, अभिषेक बच्चन शायद उसी रोल में रहे, उदय चोपड़ा तो बहुत दूर दूर तक कहीं भी नज़र में नहीं आते। तो देखते हैं किस हिसाब से स्टोरी रहती है, किस हिसाब से वो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी, क्या यहाँ पे अब चोरी होगी, या फिर जैसे धूम 3 में दिखाया गया था एक पर्सनल बदले के लिए उन्होंने जो बैंक को बैंक्रप्ट कर दिया था, अलग अलग रीजंस हैं, देखते हैं स्टोरी किस हिसाब से जाती है। मगर मज़ेदार बात ये होने वाली है कि अगर ये कंफर्म हो जाता है कि धूम 4 करेंगे यहाँ पे शाहरुख खान, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे आप लोग बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है।